एक एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि अगर किसी में डैमेज की वजह से पानी भी भर जाए तो उन्हें सील करने के बाद भी शिप आसानी से तैरता रहे। इसके बाद आता है E2 हॉकआई। ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की आंखों और कान की तरह काम करता है, जिसके ऊपर लगा हुआ ह्यूज रेडार 2500 किलोमीटर से आते हुए खतरे को भांप लेता है और फिर उससे निपटने की तैयारी शुरू हो जाती है। और लास्ट में आता है उनकी गति। ये बहुत तेज है। ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 30 नॉट के आसपास की स्पीड एयरक्राफ्ट कैरियर की बताई जाती है, पर रियलिटी में कोई भी देश उनकी सही रफ्तार नहीं बताता। ये हमला करके बहुत तेजी से भाग भी सकते हैं। अगर एक सबमरीन और इसमें रेस लगाई जाए तो ये बड़ी आसानी से सबमरीन को हरा देगा।